Ladies and gentlemen, welcome to NDTV's flagship series, India Through the Eyes of Its Icons. And today's icon is also a legend, a self-made legend who actually had no godfather and never actually needed one once he found his own steps. Mithun Chakraborty, welcome to NDTV. Thank you very much for sparing time. Thank you so much. So thank you so much for speaking to NDTV. Let me begin by asking you, how do legends like you define success? आपके लिए success का मतलब क्या है? I think any success that matter, any history that matter. Without pain, there is no history. Without pain, there is no success. To me, I've gone through hell. So today, after getting this award, I think that God has summed up. He said, lot of pain I've given you, with interest I'm giving you back. So this is this award ki baat hui. I mean, this is just one. Actually, aapke jaise legendary actor, legendary aadmi ke career mein ye ek aur इसे एक तरह से मेडल मान लेते हैं, बड़ा अवार्ड है, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड तो लोगों ने आपको दिया. आपने जहाँ से स्ट्रगल करी, जैसा आपने कहा यू हैव गॉन थ्रू हेल, जहाँ से स्ट्रगल करी और जिस मुकाम पे आप पहुँचे, बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं जीवन में जो इतना लंबा रास्ता तय करते हैं. यस सर, दैट्स ट्रू. ऑलमोस्ट 50 ईयर्स नाउ, मोर देन 350 फिल्म्स. मेरी फर्स्ट फिल्म में I got national award. Yes, you are still a record holder on that count. Debut movie, national film award. Yes. So, debut movie. Yes. So, but that didn't give me any help because that time national award means film line mein kuch badi baat nahi thi. Ah, theek hai, mil gaya. But I thought I got Oscar. You know, and for that, my attitude changed, my everything changed. You know, I used to think that I'm Al Pacino, and I used to sit like this, talk like this. So producer सोचता था ये आदमी है कौन? ये आदमी मारो लात इसको निकालो. So सब निकाल दिया. फिर I realized that I'm making a mistake. It's not that. So then the struggle begins again to get some foothold in the commercial cinemas. Then by chance, destiny, Mr. Chinappa Devar came and he offered me a film, female-based, Rameshwari Talluri as the heroine, Mera Rakshak, where the goat was actually hero. He used to make film on animals, you know. वो कुछ picture 10 week चली, तो थोड़ा सा अरे 10 week चली hero को, लेकिन उससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना. उससे जो लोगों को जो डर था ये ऐसे रंग का एक आदमी हीरो बनेगा, ये तो कुछ नामुमकिन सी बात है. तो पता ये रंग लेके क्या करोगे तुम, कुछ नहीं होगा. तो मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रंग चेंज हो जाए, तू मेरा रंग चेंज कर दे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उसके बाद रवि नगाइच साहब आए और मुझे गनमास्टर G-9 बॉन्ड फिल्म के लिए मुझे साइन किया. उसमें मैं कुछ थोड़ा एक्शन दिखाया, डांस तो था ही, और वो पिक्चर हिट हो गई और मैं स्टार बन गया. लेकिन स्टार ऑफ वेरी सी ग्रेड स्टार. फिर उसके बाद उसी के सिक्वल बनी, वो भी चली. लेकिन देयर इज़ नो ब्रेक थ्रू ऑफ दो सी ग्रेड टू बी ग्रेड टू ए ग्रेड. तो वो कैसे आया ब्रेक थ्रू? देन केम डिस्को डांसर. Oh, then came Disco Dancer, the mega blockbuster. So that becomes a worldwide hit. So then I became a dancing star of India. Dancing star. पूरे हिंदुस्तान को डांस सिखाया. हाँ, बस वही जो डिस्को डांसिंग, उसमें भी लोग मजाक करते थे. वो भी जब पिक्चर रिलीज, क्या डांसिंग है, उंगली कर रहा है ऊपर, किसको उंगली कर रहा है, इन ऑल सॉर्ट ऑफ बैड थिंग्स. एंड फर्स्ट वीक में तो पिक्चर ने बोल दिया फ्लॉप, पर सेकेंड वीक से जो पिक्चर पकड़ी तो फिर एक साल तक चली थी हैदराबाद में नॉन स्टॉप. यू हैव इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ एक्टर्स, डांसर्स एंड फिल्म मेकर्स अक्रॉस रीजनल सिनेमा एज वेल. उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगू, इतने सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया है। आपको इस बात का एहसास कब हुआ कि आप इतने लोगों को इंस्पायर करते जा रहे थे अपने 50 साल के लंबे सफ़र में? और एक बात ये भी कि एक आदमी जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, जिसने अपने टैलेंट के दम पे तमाम दरवाजे खोले, किसी बड़े बाप की औलाद नहीं था वो आदमी, उसकी सक्सेस से तो तमाम लोगों को जो इंस्पिरेशन मिलती है वो नेक्स्ट लेवल है। सर वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ रुकावट तो बहुत थी, क्योंकि ये लड़का जिस रफ्तार से आगे जा रहा था बहुत, तो रुकावट तो आएगी। तो रुकावट ऐसे आई कि हीरोइन को बोल दिया जाता था कि इसके साथ काम मत करो, तो करते भी नहीं थे। फिर किसी भी तरह कैसे भी किसी कोई भी फिल्म मिल जाए, मैं बोला नहीं करना, कि मेरे दिल में को ऐसे हारूंगा तो लड़ के हारूंगा, ऐसे नहीं हारूंगा मैं। तो वो एक बात तो थी। तो दोपहर वही जो काले रंग वाली बात है ना, वही बात मुझे बहुत दिमाग बहुत रोता था, बहुत ये सचमुच के बहुत रोता था कि भगवान ये कैसे तोड़ूं मैं, कैसे हो सकता है। फिर एक दिन दिमाग में आया मैं तो डांस कर सकता हूँ, है ना। मैं डिस्को डांसर के पहले की बात कर रहा हूँ ये जो, तो मैंने कहा कि ऐसा मैं डांस करूँगा, पैरों से डांस करूँगा, हाथ से नहीं, पैरों से डांस करूँगा, लोग मेरी कलर को ना देखें, मेरे पैरों को देखें। और इसीलिए मेरे सारे डांस देखे कि मेरे पैरों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, और वही हुआ, लोग मेरे पैर को देखने लगे, मेरे रंग को भूल गया, और मैं हो गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। तो वो आपने जो है ये डिसाइड कर लिया कि डांस देखेगी दुनिया, रंग नहीं देखेगी। यस। ये बताइए मुझे कि जो हीरोइनों की बात आपने अभी अभी करी कि कोई काम करने के लिए उनको मना कर देते थे, किस हीरोइन ने तोड़ा ये? ये एक्चुअली ज़ीनत अमन जी ने मेरे को सबसे ज़्यादा मदद की, क्योंकि बीस साहब एक पिक्चर बना रहे थे, उन्होंने तय कर लिया भाई मैं मिठून ही मेरा हीरो है। तो वो गए ज़ीनत जी के पास, ज़ीनत जी को बोला ज़ीनत देखो एक लड़का है, आई थिंक ही इज़ वेरी गुड एक्सट्रीमली। तो ज़ीनत जी ने देखे बोला अरे ये तो वेरी हैंडसम लुकिंग बॉय, अच्छा काम करता है, डांस करता है, आई विल वर्क। वो जो उन्होंने तोड़ा उसके बाद से सब बड़ी हीरोइनें साइन करने लग गए, फिर आप मेन स्ट्रीम हो गए। हाँ, तो आई हैव बीन एवर ग्रेटफुल टू ज़ीनत जी फॉर एवर। तो एक फिल्म करिए ज़ीनत अमान जी के साथ में? हाँ बहुत सारी। अब करिए? अब नहीं, अब करिए। हाँ थिंक अबाउट। हाँ आएगा तो क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे। सो व्हाई डोंट यू टेल ज़ीनत अमान थ्रू NDTV दैट? ओ हाँ, वो खुद बहुत शाही है, बहुत कम बात करती हैं, ऐसा नहीं कि ज़ीनत जी ऐसे फिल्म में, पर वैसे बहुत कम बात करती हैं। कोई कोई शो में मेरे साथ होते हैं तो ज़ीनत जी बहुत कम बात करती हैं। और उसके बाद आपने पॉलिटिकल अपनी जर्नी भी शुरू की जो साथ साथ चलती रही, हिंदुस्तान की जर्नी, आपकी करियर की जर्नी साथ साथ चलती रही। कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा मौका आपको लगता है जो दोनों जर्नी मिलती है, कि मतलब जब हिंदुस्तान का एक डायरेक्शन बदल रहा था, आपका भी रवाना मतलब आपकी भी डायरेक्शन बदली, और आपका रोल भी था उसके अंदर? देखिए पॉलिटिकल, अब जो जैसे बात की आपने राजनीति की, राजनीति मेरे ज्वाइन करने का एक ही मकसद है हर बार कि मैं अपने बंगाल के गरीब लोगों के लिए कुछ करूँ, मेरे पड़ोस के जो राज्य हैं उसमें करूं, सब जगह जहां गरीब लोग कुछ है ना उनके लिए मैं कुछ करूं। और राजनीति वो एक जगह है जहां पावर मिलता है जिससे आप जल्दी जल्दी काम कर सकोगे। ऐसे तो मैं खुद बहुत कुछ किया, मैं खाली बोलता नहीं हूं, मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना सब कुछ किया इस आदमी ने, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, पब्लिसिटी नहीं करता कि दाएँ हाथ को मालूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बाएँ हाथ ने क्या किया, अब बाएँ ने किया डाएँ, उसमें मैं बिलीव करता था। तो इसीलिए राजनीति ज्वाइन करने का सिर्फ एक मकसद है और कोई मकसद नहीं, ना मुझे कोई मंत्री बनना है, ना कुछ ये करना है, ना ये प्रधान बनना है, कुछ नहीं, नथिंग एक्सेप्ट दिस। तो मिठुन दा मैं आपसे एक ये आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस, आपने आपकी जो उम्र है और इस देश की जो आज़ादी की उम्र है ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि हमारी सीरीज़ जो है वो ये है कि इंडिया थ्रू द आइज़ ऑफ इट्स आइकॉन्स। क्या बदलते देखा आपने इस देश में अपनी जवानी में, जब आप स्टार नहीं थे फिर आप स्टार बने, उसके बाद के दशकों में How do you see as India's trajectory, India's growth with your own eyes? I think India has grown like me. I think India भी तकलीफों से बहुत बड़ा हुआ है. India कोई आसानी से इतनी बड़ी जगह जो आज वर्ल्ड में नाम बनाई है तो इसने इतनी जल्दी आसानी से नहीं. He has gone through his own turmoil and today is one of the biggest power in the world. I look at this India as my struggle through this. The prism remains the same. Yes. The prism of struggle. Yes. But you also believe that what burns is what तप करके निकलता है. हाँ, but पूरा जलना नहीं चाहिए. पूरा जल के तो खाक हो जाएंगे. जलना उतना ही है जितना तापमान आपको बर्दाश्त करने के लायक बनाए. लेकिन मिथुन दा, जब आप when you were growing as an artist, you must have been seeing a lot of successes around you. तो उस वक्त आपको लगता था कि मैं इसकी तरह बनता, या आपने ये सोच लिया था मिथुन चक्रवर्ती रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं. मैं भी सोचता था. मुझे याद है अभी भी, मैं एक दिन रास्ते जा रहा था महालक्ष्मी में, तो उसका पेट्रोल पंप, उसके ऊपर एक पोस्टर लगता था, तो मैं देखा ऋषि कपूर, नीतू सिंह जी, उसकी फ़ोटो लगी है. तो मैं सोचता था एक दिन क्या आएगा कि मेरा फ़ोटो भी ऐसा लगेगा. फिर एक दिन आया, एक हमारा संसार पिक्चर बनाई, तो उसका मेरा हेड, इतना बड़ा फ़ोटो एज ए हीरो आया. इंस्पायरिंग में तो था ही, क्योंकि मैं जिनके भी सक्सेस देखूं तो लगता था कि मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाता तो क्या खराबी होती. तो थोड़ा पैसा मिलता, एक घर बना लेता, माँ बाप को वो लेके आता, घर में रखता. और एक दिन आया टाइम कि घर लिया, माँ बाप को बुलाया कलकत्ता से इधर, सबको रखा एक साथ. और महालक्ष्मी के सामने जो फेमस स्टूडियो है उसमें एक्टिंग भी की होगी आपने फिर उसके बाद? हाँ, बहुत की. लेकिन थक भी जाता था क्योंकि काफ़ी लंबा था ना, साइंस से लेके महालक्ष्मी तक आना, श्री साउंड स्टूडियो जाना पैदल, क्योंकि एक टाइम का ही भाड़ा किसी तरह बचाता था बस का, तो एक टाइम तो आपको चलना ही पड़ता था. सायन से श्री साउंड स्टूडियो और सायन से महालक्ष्मी में एक टाइम का भाड़ा, फिर ट्रेन में चढ़ के आधा माटुंगा आना, फिर वहाँ से भी चलना. और उस स्ट्रगल के दिन क्या कोई साथी जिसको आप याद रखते हैं? देखिए, जब दो आदमी तो मुझे याद ही है, गौतम गुहा जिन्होंने मुझे रास्ते से उठाया, वो दुलाल गुहा साहब डायरेक्टर के बेटे थे, और विक्रम बंगेरा जिन्होंने मुझे माटों का जिमखाना में मेंबरशिप दिलाया था, क्योंकि मुझे सोने की जगह नहीं थी, नहाने की जगह नहीं थी, तो किसी के छत पे सो गया. फिर विजेटीआई एक हॉस्टल था, तो एक दोस्त ने कहा तो 12 बजे के बाद आना और 4 बजे निकल जाना. तो 4 बजे निकलने के बाद वो जिम खाने के सामने खड़ा होता, जिम खाना खोलता था, वहाँ बाथरूम करता, दांत वाँत साफ कर, नहा के फिर रास्ते में. ये दो आदमी तो ज़िंदगी में कभी मैं भूल ही नहीं सकता. आपकी जो एक्ट्रेसेस हैं उसमें कोई आइकॉनिक एक्ट्रेस जिनके साथ आपका इक्वेशन और रोल बहुत आपको याद रखते हैं? देखिए, मैं सबके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के ही चलता था, क्योंकि जो छोटे होते थे उनको मैं समझता था कि डर रही है, क्योंकि इतना बड़ा स्टार सामने खड़ा हुआ है, तो ज़्यादा दोस्ती करके सब उनके अंदर के इनोवेशन सब निकाल देता था दोस्ती करके, ताकि वो मेरे साथ इजी हो जाए सब डांस करना. तो ये सब, आई नेवर बीन अनफ्रेंडली टू एनी वन, सो नो चांस. डिस्को डांसर चेंज योर लाइफ एंड इन सो मेनी वेज इट चेंज बॉलीवुड ऑल्सो, बिकॉज इट वॉज अ मूवी विच फॉर द फर्स्ट टाइम डांस डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग, डांस टुक द सेंटर स्टेज. So how do you see Disco Dancer as? क्या याद है आपकी Disco Dancer की सबसे? वो भी तकलीफ, क्योंकि बी सुभाष जी ने बहुत तकलीफ से फिल्म बनाई हो, पर बी सुभाष जी हैज़ अ ट्रिमेंडस सेंस ऑफ म्यूज़िक. वो गाने का उनके सेंस बहुत ज़बरदस्त था, और बापी दाने में मदद की थी. एंड फिर माई डांसिंग भी, क्योंकि मैं खुद डांस करके वीडियो में टेप करके सुभाष जी को दिखाता था कि सुभाजी ये करना, तो सुभाजी बोलते यस यू डू दिस. तो इसी तरह ये सब डांस के जो, चाहे हो कृष्णा धरती पे आ जा तू, डिस्को डांसर हो, फिर A, O, R, you know, all sort of... Jimmy भी. Jimmy, so all sort of things we used to do, पहले कर लेता था. But सुभाष जी भी बहुत तकलीफ से पिक्चर बनाई, इतनी आसानी से नहीं बनी वो फिल्म. जो मेरे साथ चलता रहता है, वो चलता रहा. फिर जब रिलीज हुई उसका पिक्चर ही कुछ डिफरेंट हो गया. और उसके बाद जहाँ पर आप जाते थे तो आपको बोला जाता था डिस्को डांसर. यस, अभी भी ऑल ओवर एशिया, ऑल ओवर, यू नो, ऑल द USSR, अफ्रीका, इवन टर्की, यू नो, एनीवेयर. आई मीन टर्की अगर एयरपोर्ट में भी मैं उतरता हूँ बाई ट्रांजिट, एंड यू कुड सी द रिएक्शन यू कैन मेक आउट. बट यू हैव स्टेड रेलेवेंट इवन इन दीज टाइम्स. जब बिग पिक्चर से OTT पे जो सफ़र शुरू हुआ उसमें भी आप रहे, ताशकंद फाइल्स में आप आए, कश्मीर फाइल्स में हूँ, देन बेस्ट सेलर में भी हूँ, लेकिन प्लस मैं फिल्मों में ही, बट OTT से ज़्यादा स्टिल भी मैं फिल्म में हूँ, बिकॉज आई स्टिल हैव 7 फिल्म्स इन माय हैंड, जिसमें 3 हिंदी, 3 बंगाली एंड 1 तेलुगु फिल्म विद प्रभास कॉल फौजी. सो दिस लॉन्ग करियर 50 साल हो गए और भी चल रहा है. वो नहीं कह सकता मैं, अभी हाथ टूटा हुआ है, मैं नहीं बोल सकता और कितने दिन, लेकिन उस तरह से और काम नहीं कर पाता पहले जैसे, मतलब गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वो नहीं होता है. अभी जो फिल्म मुझे टिकल करता है, एक्साइट करता है, वही फिल्म करता हूँ. तो वो किस तरह की फिल्में होती हैं जो आपको टिकल, जो समथिंग डिफरेंट, नॉट द रेगुलर, द बीटिंग द बुशेस सब फिल्म. अभी देखिए 2 फिल्म बंगाली में रिलीज हुई, काबुलीवाला एंड प्रजापति, दोनों ही बहुत बड़ी हिट हुई है एंड बॉक्स ऑफिस सक्सेस. बस दोनों ही डिफरेंट फिल्म. एक काबुलीवाला जो बल्ला साहनी किया था उन्होंने, मैंने किया. प्रजापति हैज रन फॉर 150 डेज इन थिएटर, व्हिच इज इम्पॉसिबल नाउअडेज. यस, एंड मिथुन दा, इतनी सारी रीजनल सिनेमा में आपने काम किया और आज के दिन में एक चैलेंज बॉलीवुड के सामने है. वो चैलेंज ये है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि बॉलीवुड का डिक्लाइन है, लेकिन रीजनल सिनेमा अच्छा कर रहा है, चाहे वो साउथ इंडियन सिनेमा हो या और. तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के सामने ये चैलेंज क्यों है? टू मच ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, टू मच. फिल्म को आजकल क्या हो गया, वो भी एक्टर बनना, स्टार बनना कम हो गया. अभी खाली ब्रांड बनाना है, चाहे आप हीरो हो, हीरोइन हो, पहले देखता है ये ब्रांड है कि नहीं, ये ब्रांड वैल्यू है तो फिर पिक्चर चलेगी. तो पहले उन लोग सोचते हैं पिक्चर कैसी भी उसकी स्टोरी हो, पहले ब्रांड को सामने लाओ, उसकी तरह से पब्लिसिटी करो, उसकी तरह से प्रमोशन करो. तो ठीक है, पिक्चर अच्छी होती तो चलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टू मच ऑफ कॉर्पोरेट वाले के ये होने से ये डिक्लाइन आ गया और डिक्लाइन हो जाएगा अगर इसको नहीं रोके तो. टू मच ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन की प्रॉब्लम आपको बाकी रीजनल सिनेमा में नहीं दिख रही है इतना? तो उसमें तो उतना को नहीं हुआ ना, अभी भी वहाँ सिंगल प्रोड्यूसर जिंदा है. देखिए, सिंगल प्रोड्यूसर से जो हमारा टाइम था, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन इतने घर चलते थे और इतनी फिल्में बनती थी, इतना एम्प्लॉयमेंट होता था, दैट हैज सडनली कम डाउन. बिकॉज अब एक ठीक है, लोग अभी भी काम कर रहे हैं, लोगों को नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन जैसे मेरे पास 22 प्रोड्यूसर है और किसी के पास 15 और किसी के पास 10, सब जगह प्रोड्यूसर सब फिल्में बना रहे थे, यानी कि कोई बैठे हुए थे. लेकिन अभी वो सब आउट हो गए, कोई नहीं, एक भी नहीं है. सिंगल प्रोड्यूसर बनाएगा तो उसको रिलीज़ के लिए कोई नहीं होता, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता. आजकल का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कॉर्पोरेट हाउस ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम हैज. सो टू मच ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन हैज. यस, बट मिथुन, देयर इज आल्सो दिस फैक्ट दैट देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी एंड परहैप्स लोकलनेस इन द सदर्न सिनेमा. वुड यू से दे रियलाइज दैट things are changing and they have kept pace with the changing times? Special effect, for example, जो पहले नहीं था वो हम लोग साउदर्न सिनेमा में देख रहे हैं, जो अभी यहाँ पर बॉलीवुड अभी स्टिल कैचअप कर रहा है. देखिए, साउदर्न सिनेमा में सब कुछ रिमार्केबल है. देयर एक्शन देखिए, रिमार्केबल. देयर डांसिंग देखिए, रिमार्केबल. उन लोग सब चीज़ को प्राधान्य देते हैं, कंप्लीटनेस में, कंप्लीटनेस एंड टेरिफिक रिजल्ट के ऊपर. और आज साउथ इंडियन फिल्म हमारे बॉलीवुड फिल्म से कई ज़्यादा अच्छी बनने लग गई और इसीलिए लोग हम लोग उससे उसकी कॉपी करके हम बना रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई नहीं बना रहा है कि बॉलीवुड में भी बना रहे हैं अच्छी फिल्में, लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा हैज़ डिपेंड मोर टू द रियलिटी। इसीलिए आज बाहुबली इतनी बड़ी हिट कैसे हुई? हाउ देन अनदर फिल्म द आर 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 क्यों इतनी बड़ी हिट कैसे हुई? वाई द सुभाष एंड द यश, दे आर सुपरस्टार्स, मतलब इंटरनेशनली सुपरस्टारडम उनको छू गया है। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द रियलिटी, बिकॉज ऑफ द रियलिटी, दे हैव टच्ड द रियलिटी, दे आर मेकिंग फिल्म लाइक दिस, दे आर डांसिंग लाइक दिस, दे आर फाइटिंग लाइक दिस, their story line is like this, and they will go up, they will go up. मिठुन दा, आपसे अगर मैं ये सवाल नहीं पूछूं तो ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा। आज के दिन में हम देखते हैं कि lot of talk about nepotism, lot of talk about family, promoting family, etc, etc. You are one man who had no godfather. You came from the bottom of the pyramid, absolute bottom, and you rose to the top of the pyramid. आपको क्या लगता है कि ये जो नेपोटिज्म की बातें हैं और फैमिली इंडस्ट्री की बातें हैं, वो सारी टैलेंट और मेहनत से तोड़ी जा सकती है कि नहीं जा सकती? सर मैं नहीं मानता। देखिए मेरे भी तो 3 बच्चे हैं, 4, और चारों ही फिल्मों में। मैं आज तक किसी प्रोड्यूसर को किसी को नहीं बोला कि मेरे बेटे को चांस दो। मेरे छोटे बेटे ने अभी बैड बॉय की है, राजकुमार संतोषी ने उसका एडिशन लिया, उसको पास किया, फिर लिया। विक्रम भट्ट ने मीमो को दिया था हॉन्टेड में चांस दिया, उसके बाद चलिए चलिए नहीं चली वो सब दूसरी बात है। आई कैन टेल यू ऑल माई हार्टफेल्ट इमोशंस, आई हैव नेवर प्रोमोटेड माई चिल्ड्रन एंड आई टोल्ड देम कि यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल, अल्टीमेटली टैलेंट विल स्पीक। अगर ये भी बात है कि किसी का बाप हीरो है, उसका बेटा हीरो बना, तो हीरो बना सिर्फ इसलिए नहीं बनता है कोई हीरो, उसमें भी टैलेंट होना चाहिए। yes. और टैलेंट नहीं होगा तो थैंक यू वेरी मच, अब जा सकते हैं, इसके बाद घर बैठ जाइए। यू हैव टू हैव टैलेंट। चाहे आप किसी हीरोइन की बेटी अभी लॉन्च हुई है शिविका में बिग, बट शी हैज़ टैलेंट, हाउ कैन यू डिनाई द टैलेंट? उसमें नेपोटिज्म की बात नहीं आनी चाहिए। टैलेंट विल रूल, talent will rule, that is the golden word. Yes, coming from the and star. Talent will rule talent in all the fields, all the fields, no matter which profession you are in. And is there a star of current times who you think actually has kept pace with changing times? Like आपने आपका हमेशा अपने कैरेक्टर्स को इवॉल्व किया, डिफरेंट कैरेक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किया, उसी तरह का आपकी तरह? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मारिया ने। एक्चुअली उस जनरेशन के अगर आप काफ़ी लोगों को देखें, अमिताभ बच्चन को देखें, आपको देखें, शत्रुघ्न सिन्हा को देखें, और भी बड़े ऋषि कपूर को देखें, उनकी आपने बात करी, तो उन सब लोगों ने अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व किया, इंक्लूडिंग दिलीप कुमार जो उनसे पहले के जनरेशन के स्टार थे। दे इवॉल्व विद टाइम। आपको लगता है कि ये एवोल्यूशन ऑफ विद टाइम ऑफ द प्रेजेंट स्टार्स शायद उतना हो नहीं पाया, और नहीं हो पाया तो गुड बाय बोलना पड़ेगा, देयर इज नो चांस। यू हैव टू चेंज विद टाइम। अगर इस वक्त मैं बैठ के सोचूं आई विल बिकम डिस्को डांसर अगेन, सो बिगेस्ट फूल आई एम स्पेसिंग माई सेल्फ विद माई एज, विद माई टाइम, विद माई इनसाइड स्टेमिना मोर देन आउटसाइड। यस, आई एम चेंजिंग एंड इवॉल्विंग माई सेल्फ and I'm doing exactly those roles that suits my character right now, and I'm getting success on that. Suddenly I feel no, अभी तो मैं डिस्को डांसर ही करूँगा, तो घर बैठ जाइए, कौन आपको बोला है यहाँ काम करने को? Nobody. Did disco dancer actually you feel that was the changing moment, that tipping point, turning point? Not only mine, even the industry. How? Industry changed with the dancing style. They thought if I do not space with the disco dancer or style like this, then my film will compare this. अरे क्या है अभी देखो मिठुन की तरह डांस कर, नहीं तो क्या ऐसे ही। मिठुन दा, on that tipping point and inflection point, I thank you for joining us. Anything, you know, you are a man, as I said, you know, who has had the kind of experience that very few have in life. from the street to the topmost elevation. Any words of wisdom from you to our viewers? I would say that there is lot many talents. लड़का है सब जगह बोलता हूँ सर मुझे मैं बोलना चाहता हूँ ये कि बहुत सारे लड़के हैं लड़कियाँ हैं बहुत टैलेंट है लेकिन फाइनेंशियली दे आर वेरी वीक पैसे की वजह से नहीं लड़ पाते मैं उनको इतना ही कहूँगा हिम्मत नहीं छोड़ना सपना ज़रूर देखना लेकिन खुद सो जाना सपनों को सोने नहीं देना इफ़ आई कैन मेक इट यू कैन मेक इट Thank you so much for speaking to NDTV. Mithun, congratulations for the award and to many more to come. Thank you. Thank you, Mr. Chakraborty, for speaking to us in such a delicate state. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.